बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आप सबको मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। ये देखें मैं आपको कहाँ लेके जा रही हूँ, मैं आपको लेके जा रही हूँ आज सीफ महल में। और आज सीफ महल में उधर रेड टैक है, उधर मैं लेके जा रही हूँ। चले मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी वीडियो आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। बच्चों की शॉपिंग करनी थी ईद के हवाले से, तो चले ये रात सीफ महल के ऊपर जाते हुए हम लोग लिफ्ट से गए थे। ये मैं थोड़ा सा आपको विजिट करवाती हूँ। बच्चे भी साथ थे, इन्होंने अपनी मर्जी से शॉपिंग की है। और इंशाल्लाह मैं आपको शॉपिंग भी लास्ट में दिखाऊंगी, या लास्ट में अगर वीडियो लंबी हो गई तो इस दूसरा व्लॉग शॉपिंग का मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वैरायटी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, डिस्काउंट भी लगा हुआ था और साथ में हमें गिफ्ट भी मिला। गिफ्ट सरप्राइज है कि गिफ्ट क्या मिला था वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए ये पूरा उधर कपड़ों के सारे ब्रांड उधर हैं, किसी पे 30 पे फ्लैट था और किसी पे 25 की आप शॉपिंग करो, साथ में गिफ्ट था। माशाल्लाह नीद की नई वैरायटी आई थी बहुत अच्छी। ये भी शूज की दुकान है, इसके भी शूज बहुत अच्छे होते हैं, मैंने पहले लिए हुए थे, इसके क्वालिटी वाइज शूज़ बाकी इनके बहुत अच्छे हैं। और वैसे ये जो है ना इनकी प्राइस तो ज़्यादा है, हर जगह पे प्राइस बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि ईद की नस्बत में से रमज़ान आ जाए, रमज़ान में ईद में ये यहाँ डिस्काउंट लगा देते हैं। चलें आइए रेड टैक के अंदर मैं जा रही हूँ। ये देखिए स्टार्टिंग में ये एरिया है और मैं सीधी बॉयज़ वाले सेक्शन में जाऊंगी। जूते चाहिए थे बच्चों के, कपड़े चाहिए थे, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी शॉपिंग लास्ट में कि क्या क्या हम लोगों ने ख़रीदा। बैग की वैरायटी भी बहुत अच्छी थी और बच्चों के खास करके छोटे बच्चे ना तकरीबन 6-7 साल के, उनके सैंडल बड़े प्यारे थे, शूज़ भी बड़े प्यारे थे। मैंने भी लिया है, मैंने क्या लिया है, शूज़ लिया है या मैंने जूता, मैं वो आपको मैं दिखाऊंगी, सैंडल टाइप या जो भी। मैं अभी अभी हम लोग गए हैं तो मैं देख रही थी, साथ में मैं आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। अहमद के लिए शूज़ चाहिए थे तो मैंने सोचा कि जैसे लेते हैं, तो उसके शूज़ नहीं पूरे आ रहे थे, तकरीबन उसको 36 या 37 चाहिए था, तो इस साइड पे इस बॉयज़ वाली साइड में ना 35 लास्ट था, तो देखा मैंने फिर नहीं, फिर दूसरी हाथ साइड पे हम लोग चले गए। चलिए आप भी मेरे साथ विजिट कीजिएगा और बताइएगा मुझे कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। इस टाइम इतना रश नहीं था इसलिए मैं आपको तफसील से दिखा रही हूँ, क्योंकि हम लोग थोड़ा जल्दी चले गए थे, जब तकरीबन 9 बजे के बाद रश हो जाता है। हमारे नज़दीक ही है रात सीफ महल, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगते हैं हमारे घर से। ये मेन वाले सेक्शन है और साथ फाथ को तो भी वो मैन वाले शख्स में ज़्यादा आते हैं, क्योंकि टीन एज के इधर ही है ना। इधर मोहम्मद अहमद के लिए मैंने एक एक लिया था
निकर शर्ट और दूसरी एक शर्ट फिर मैन वाली सेट ली थी, साथ मेरे साथ साथ ही है तो मैंने उसको बोला थोड़ा सा आप आगे जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मेरी तबीयत बहुत बेहतर है पहले से, तो बच्चों ने शोर किया हुआ था कि ईद के कपड़े नहीं लेकर जाना, तो मैंने इसको बाबा को नसीर को बोला कि आप साथ चले जाओ, तो बोलते नहीं मेरे से नहीं काबू आएंगे, आप साथ चलो। चले वो शॉपिंग जो मैंने की है वो मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह, कोशिश करूंगी इसी ब्लॉग में। अभी देखने इस टाइम इतना रश नहीं है, वो थोड़ी देर के बाद इतना रश हो जाता है तो वहाँ और जगह नहीं मिलती, नीचे पार्किंग में भी बहुत मुश्किल हो जाता है ना, हालांकि पार्किंग का एरिया इतना ज़्यादा है फिर भी। ये जैसे मैंने सॉक्स भी लिए थे, सॉक्स नहीं मोजे टाइप है ना, तो मैंने सोचा अच्छा है गर्मियों में मोजे टाइप भी सही रहते हैं, सारे बच्चों ने स्कूल भी जाना है तो ईद पे भी शूज़ पहने तो उसके साथ चाहिए थे, अच्छा खासा डिस्काउंट लगा था। ये अल्हम्दुलिल्लाह इधर है बाहर के मुल्कों में, बहरीन में भी बहुत अच्छा है कि रमज़ान आ जाए ईद आ जाए तो डिस्काउंट काफ़ी ज़्यादा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। इधर से साथ ने ली थी एक एक ट्राउज़र लिया था इन्होंने, बोलते नहीं मौसम चेंज है जीन की नहीं पेंटे चाहिए, जीन की पहले बहुत हैं, तो अभी हम लोग ट्राउज़र ले लेंगे, वो अपनी मर्जी है आपने जो पहनना है लो। इधर से शूज़ लिए थे ये वाले, ये साथ देख रहा था, ये साथ में ट्राई रूम में उधर जाके चेंज करके आप चेंज करके देख सकते हो, ये भी मुझे शर्ट अच्छी लगी थी वाइट कलर की। और आप बताइएगा कि आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा शॉपिंग का, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी बहुत जल्द आपके साथ नए नए आइडिया और नई वीडियो शेयर करने के लिए। ये भी न्यू वीडियो है, मैंने कल ही बनाई थी तो आज मैं आपको शेयर कर रही हूँ। अभी रमज़ान के हवाले से मैंने एक दो और वीडियो बनाई हुई है इंशाल्लाह, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये हम लोग काउंटर पर इधर से कोई चीज़ लेनी थी, सारे तो इधर आए हैं, तो अभी देखो वापस क्या करते हैं क्या लेते हैं। सबको दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, ये रमज़ान का आखिरी रिश्ता है, आखिरी रिश्ता है कि दो तीन दिन रह गए हैं, दो हैं या एक है, अल्लाह ताला इस रमज़ान की रहमतें बरकतें समेटने का हमें मौका था हमें और हमसे जो टूटी फूटी हमारी बातें हैं अल्लाह ताला उनको कबूल करे, और जो हमसे हताई होगी अल्लाह ताला हम उन्हें माफ़ फरमाए हमें, और हम सबको अल्लाह ताला राज़ी हो जाए, अल्लाह ताला हम सब पे ख़ास करम करे। ये हमने ले लिया और काउंटर से हम लेके तो ये जा रहे हैं जी, मैं इधर साइड पे मैंने बोला मैं जाते हुए थोड़ा सा ले लेती हूँ। इतना माशाल्लाह बरकत वाला महीना है, इतना रहमत वाला महीना है कि पता ही नहीं चला इतनी जल्दी गुजर गया। अल्लाह ताला हम सब पे अपना ख़ास करम फजल रहम करे और हम सब पे हमारे बच्चों पे हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा सबको, जो लोग दूसरों को अपने दुआ में शामिल करते हैं खुशी होने के दरवाजे पर दस्तक देती हैं, दुआ कीजिएगा दुआ लीजिएगा।
इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी देखिए तो फिर मुलाकात होगी नए सोच नए ब्लॉग और नए आइडिया के साथ। ये देखिए जिस सेक्शन हम लोग वापसी में लिफ्ट चलने लगे थे साथ, उधर लिफ्ट पास खड़ा है तो मैं आपको ये दिखा रही थी, ये ज्वेलरी है वाइट। तो चले इसी के साथ, और मैं आपको आगे भी थोड़ा सा शेयर करती हूँ कि माशाल्लाह रमज़ान के हवाले से बहरीन में बहुत अच्छा, यानी कि लोगों ने घरों को भी सजाया हुआ है और बाहर भी अपने रोडों की साइड पे भी। मैंने शॉर्ट शॉर्ट वीडियो डाली थी एक क्लिप, ये देखिए ये देखिए ये माशाल्लाह इतना प्यारा। अल्लाह ताला सबको अपनी रहमतों और बरकतों से नवाजे, अल्लाह ताला और हम सब पे अपना फजल करे, खास करम करे। अल्लाह हाफिज़।